मौजूद चरखी दादरी के वार्ड नंबर एक में, और हमारे साथ पीछे तस्वीर हम देख सकते हैं वार्ड नंबर एक के पार्षद मोहित साहू, उनके साथ तमाम गांव के मौजूद और युवा जो है वर्ग के साथी मौजूद हैं। सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए जो है कार्यालय में पहुंचेंगे, विकास की जानकारी लेंगे। कहते हैं गाँव के अंदर विकास नहीं हो रहा। कितने गाँव की बात है, एक गाँव की, दो गाँव की? मेरे वार्ड के 10 के 10 गाँव है, और मैं तो ये कहता हूँ बोंद ब्लॉक के गाँव है। ऐसे समस्या ये है, सड़कों पे गड्ढे हैं, गलियों में पानी भरा है, चलने को रास्ता नहीं है, गांव में गलियां नहीं बन रही, कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा, जीरो काम करने लग रहे हैं। जो ये अधिकारी हैं, बड़े लेवल के अधिकारी हैं, चाहे उसमें हमारा विधायक हो, चाहे हमारा सांसद हो, इनका पता नहीं कहां ध्यान भटका हुआ है, हमारे एरिया को बिल्कुल पिछड़ा घोषित कर रखा है। हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारा लोकल विधायक या लोकल सांसद है, वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये बोंद ब्लॉक सही से एरिया का कोई धनी धनी डोरी को ना आडे, इनको इनकी कालर पकड़ के नहीं सीटांगे तब तक ये यहाँ पर काम नहीं कराऊंगे। इतना जो है आश्वासन पर भरोसा है कि काम हो पाएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि आश्वासन पहले भी मिले हैं, मांग पत्र पहले भी सौंपा, लेकिन काम नहीं हुआ। आपा तो फौजिया की डाल, रात ने जूते पैर की सोए करा, इब एक हफ्ते का नाम लिया है, एक हफ्ता में काम ना होंगे तो ये भाई रहे अपन के किधर, और नेताया की डाल पैसा में आदमी लेने हैं, यो भाईचारा है, अरे यो ब्लॉक से वह गोडेर वह लगाम। एक हफ्ते की डेडलाइन दी है, अगर काम नहीं होता है तो उसके बाद क्या रहेगा भाई? काम नहीं होता हो तो ये ब्लॉक के मेरे अधिकारी भी सुन दे होंगे, कदे नरेंद्री पार्षद मान रहे हो, अड़प ये भाई है, इन तो और दुगने तिगने भाई हैं, लिया की इन्हें बाहर काट के नेट पे गोडा धर लेंगे भाई। कई अधिकारी बहुत ज्यादा गड़बड़ भ्रष्टाचार मचा रहे, हम तो ये भी कह ली भाई अगर तनखा तक काम नहीं चलता ना तो भाईचारा रही है, गाम राम के ठेकर की दे देंगे रुपये, था हम विकास कार्य चालू करा दो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर, मैं हूँ प्रिंस लामा, मेरे से विनय सिंह दक्षत मौजूद है चरखी दादरी के वार्ड नंबर एक में, और हमारे साथ पीछे तस्वीर हम देख सकते हैं वार्ड नंबर एक के पार्षद मोहित साहू, उनके साथ तमाम गांव के मौजूद और युवा जो है वर्ग के साथी मौजूद हैं। सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए जो है कार्यालय में पहुंचेंगे, विकास की जानकारी लेंगे। कहते हैं गाँव के अंदर विकास नहीं हो रहा, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन गाँव में विकास हुआ ही नहीं। अगर आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद जो काम चल भी रहा है वो भी अधर में लटक जाएगा, जिसके चलते जो है ये पूरा रोष प्रदर्शन व्यक्त किया जा रहा है, नारेबाजी लगाते हुए, नारे लगाते हुए और लगातार जो है बीडीपीओ कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। मोहित साहू हैं, तमाम जो है गाँव के लोग हैं, खास बातचीत करेंगे, कारण क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या ऐसे काम है जो अब तक हुए नहीं है, क्यों जो सरकार के खिलाफ ये गुस्सा व्याप्त है। पार्षद साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आज इतनी बड़ी संख्या में गांव के लोग, युवा और सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? हम पंचायत के अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं, हमारे गांव में भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है, काम नहीं हो रहे, 10-12 मार्च को आचार संहिता लग जाएगी, लोगों ने हमें वोट दिया है, हमसे वो सवाल जवाब कर रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे, जो जहाँ भी गड़बड़ है, जिस भी अधिकारी में कमी है उस चीज को स्पष्ट करे। कितने गाँव की बात है, एक गाँव की, दो गाँव की? मेरे वार्ड के 10 के 10 गाँव है, और मैं तो ये कहता हूँ बोंद ब्लॉक के गाँव है। ऐसे भी क्या क्या समस्या, क्या क्या समस्याएं आ रही है आपको? समस्या ये है, सड़कों पे गड्ढे है, गलियों में पानी भरा है, चलने को रास्ता नहीं है, गांव में गलियां नहीं बन रही, कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा, जीरो काम करने लग रहे हैं। आप पार्षद हैं, आप नुमाइंदे चुन रखे हैं, जो कहते हैं ग्राम पंचायत और पार्षद प्रथम इकाई होती है गांव की, प्रथम इकाई सबसे मजबूत इकाई, सरकार, विधायक, सांसद, अधिकारी, प्रशासन, कोर्ट, सब इसके बाद आता है, आप अगर काम नहीं करवा पा रहे तो कौन करवा पाएगा? हम काम करने की हमारी इच्छा है, जो ये अधिकारी हैं और बड़े लेवल के अधिकारी हैं, चाहे उसमें हमारा विधायक हो, चाहे हमारा सांसद हो, इनका पता नहीं कहाँ ध्यान भटका हुआ है, हमारे एरिया को बिल्कुल पिछड़ा घोषित कर रखा है जी, बिल्कुल पिछड़ा घोषित कर रखा, कोई काम नहीं, ना हमारा कोई नुमाइंदा जो है वो आवाज उठा रहा हमारी। गलियां बनी,
गलियां नहीं बन रही। कई गलियों को ये बोल रहे हैं या गली बोंद की सीम में है या मालपोस्ट की सीम में है। गलियों का काम नहीं होने लग रहा, कुछ गिने चुने काम होने लग रहे हैं, जिसमें सरासर में तो एक लग रहा हूँ। पता नहीं अधिकारियों की मिली भगत है या हमारे चुने हुए जो विधायक है, नुमाइंदे है, कहीं न कहीं उनमें जोल है। हो क्यों नहीं रहा, कारण क्या है, गबन हो रहा है, कहीं काम क्यों नहीं हो रहे, आगे से बजट नहीं आ रहा है, क्या कारण है? नहीं, आगे से बजट आ रहा है, ये जानकारी है आपको उसकी? बिल्कुल, आगे से सारी चीजें आ रही है। हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारा लोकल विधायक या लोकल सांसद है, वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये बोंद ब्लॉक सही से एरिए का कोई धनी धनी डोरी को ना आडे, इनको इनकी कालर पकड़ के नहीं सीटांगे तब तक ये यहाँ पे काम नहीं कराऊंगे जी। तो कहीं ना कहीं ये पार्षद है मोहित साहू, वार्ड नंबर 1 के पार्षद चरखी दादरी जिले के, और कहीं ना कहीं यही अगर अपनी सरकार के खिलाफ, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी बात जरूर है। कहीं ना कहीं इन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं, विधायक की बात हो, सांसद की बात हो, प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो, आला कमान की बात हो, सभी जो हम मिली भगत कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं, ऊपर से बजट होता है लेकिन लग नहीं रहा, ये इनका साफ कहना है। सीधे सीधे जो आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं सरकार पर, प्रशासन के ऊपर, और कहीं ना कहीं कहते हैं चुनाव आगे आचार संहिता लगने वाली है, अगर अब काम नहीं हुआ तो होगा कब, ये सबसे बड़ा सवाल। आचार संहिता लगने वाली है, लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, अब तक काम नहीं हुआ तो होगा कब? बिल्कुल, हमें तो यही तो इनकी ईमानदारी पर शक उठा रहा है, यही तो इन पर सवाल प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इनकी मंशा नहीं है, आम आदमी ठोकरे खा रहा है, कहीं फैमिली आईडी में दिक्कत आ रही है, कहीं पोर्टल में दिक्कत है, इनकी दिक्कत है। जी ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो है पंचायत जो कार्यालय है इनका, इसमें पहुंच चुके हैं नारेबाजी लगाते हुए, सरकार प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए। सीधी सीधी बात यह है कि आरोप लगा दिए इन्होंने बीडीपीओ, जो प्रशासनिक अधिकारी जो पंचायत से संबंधित हैं, जो वार्डों से संबंधित है, जिला पार्षद और सरपंच से संबंधित है, उनके ऊपर तस्वीरें देख सकते हैं। मोहित साहू वार्ड नंबर 1 के पार्षद सारे भाई मिलकिन है अपनी, हम के को आड़े ब्याह मारे थे, के को नींद आ रहा था, हम यहाँ हमारी समस्याओं को लेके आए थे भाई। चाहे घंटा लागो, चाहे 2 दिन लागो, चाहे 4 दिन लागो, हाँ जब तक हमारे काम नहीं हो लेंगे हमारे तो जावा नहीं गए। हमारे कोई चुबारे बनवाना ना रे, ना को हमारे खेता में पानी लगाना, ना हमको ट्यूब लगाना रे। हमारे यहाँ जो सरकार ने हमें अधिकार दिए हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात आ गई हो, चाहे हरियाणा सरकार की बात आ गई हो, चाहे महात्मा गांधी ने जो पंचायती नीति बनाई थी उसकी बात आई हो, हम यहाँ पे हमारे गांव में जो कीचड़ भरा है गलियों में, बैठने के लिए जगह नहीं है, जो गाड़ी ले रहे थे उनकी गाड़ी जर पकड़ना शुरू होगी, गोडे गोडे पानी खड़ा है। अगर हम यहाँ से जो ये बोंद हेडक्वार्टर है हमारा, बोंद से मालपोस्ट की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे पानी का गड्ढा भर है, हर कम से कम 10 बार इनको अधिकारियों को लिखित में जो चुके हैं। चाहे ऊन गांव की बात आ गई हो, चाहे फिर रानीला से सांजरवास की बात आ गई हो, चाहे रानीला से सावड़ की बात आ गई हो, चाहे साक रोड की बात आ गई हो, मेरे वार्ड के सभी 10 के 10 गांव था, 10 गांव माँ के चुनिंदा आदमी आड़े बैठे हो। जो हमारा मेन मकसद है, इन चाहिए नहीं भाई, इन्हें वो खाचा खत्म नहीं करना चाहिए। तो मेन बात यह है, जब ती हमारी चीजा का जो हम इन जवाब लेना रहे, हाँ इब कोई गली है भाई की, नाना की गली है मालपोस गांव में, इन रामकोरा नीबती न्यूनी बेरा लाग रहा हुआ गली मालपोस में है, बोंद में है, वो गली पे दो बे तो इसका पार्ट टूट लिया, कई बूढ़े ठहरेंगे लादसा हो लिया, इन्हें तो 1 मिनट लागे है। अग भाई एस्टिमेट बनवावा कि नहीं बनवा, क्यों नहीं बनवा रहे भाई, वगाल पैसे ना तो पैसे बता दो। अब ब्लॉक में रपिए को ना, आज इन लोगों से ना भाई मैं तो नहीं कहूँ, देखो हमने नया आड़े कोई आपन तो ना तो चोरी चकारी करनी, ना हमने कोई कमीशनबाजी चाहिए, कोई 100 रुपया लोभ लालच नहीं है। अरे आप लोग ऐसी कोई बात सुनने में आई हो तो वह बता दो, कोई 100 रुपया का 50 रुपया लोभ नहीं है, बल्कि अधिकारी आदि कहना चाहो, हाँ जाकर इनका तनख्वाह में काम नहीं चलता हो तो हमारा यो भाईचारा इन 9 रुपये इकट्ठे करके दे देगा, पर हमारे काम करा दो।
तीन चार बजे काम दे की जा लिया, वो काम नहीं हुए हैं। बताओ फिर सुड़ जाओगे? आ जाओ तो डिमांड आपकी। डिमांड जी मैं बताऊं, डिमांड तो कई बजे दे ली। सब आए थे ना? हाँ। आपने जब भेज दिया था? भेज तो दिया था, वो भेजो कि सो ना पंदा। सीओ का भेज रखा है तो सीओ साहब से भी बात होली, सब तो बात होली। इन्हू बताओ आप देखो हो माल पोस्ते बोंद के तरफ, यो कितने बड़े खड्डे हैं। हमने कुछ ना चाहिए ना तो हमारे स्कूल पास कराना रे, ना हमारे को कॉलेज पास कराना रे। और मेरे ख्याल तो वो आपका अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, वो आप चाहो तो भी आप ना बनवा सकते। हम तो ये छोटी छोटी चीज है, ये जो खड्डे हैं ना इन सड़का के, गोंद माना छूट गया भाई, इतने खड्डे हो रहे हैं। इन गड्ढे आगे हम तो नहीं चाहो, वहाँ हमारे बैठे हाँ। आप ईमानदार अधिकारी हो, आप बड़प्पन दिखाओ हम घर ने। अरे तो उठ की चाल उससे पहले अरे करवाओ गिरवा की चार ठेली रेत की बिछवा दो बोलो। चार ठेली गिरवा दी है, वादा हो गया। चलो भाई धन्यवाद करो पहले तो साहब का। दूसरा जी रानीला संजरवास से रानीला की तरफ चला, हाँ उड़े भी पानी है बुराल। वो आप नाला खुद गया ना? नाला तो खुद गया, नाला वाला नालाओं का भी धन्यवाद है, जो आप काम करोगे ना उन पर फूल चढ़ा के स्वागत करांगे। माँ जिन भाइया ने न्यू ले रहा हूँ, ये मेरे तीन कहें भाई इतनी बोट गिरी थी तो ये न्यू कहो है भाई तुम्हारे काम करवा। ये मेरे ख्याल से गलत भी नहीं कहने लाग रहे, रेत गिरवा दें चार ठेली आपकी। उड़े रेत गिरवा की ना जो भी आप तो उड़े समाधान लेकर डने। एक तो वाह है जी, इसका धन्यवाद। दूसरा एक या गली है मालपोस की गली है, इसने बोंद का सरपंच तो न्यू कह दे मालपोस में, हर मालपोस का सरपंच न्यू कह दे बोंद में है। एक या गली नहीं बन पा रही, क्या दिक्कत आ रही? आपने बैठ के डिस्कस करेंगे फिर बताएंगे। डिस्कस ना जीब तो मैं बताऊं, कलम के मालिक सो इन जेईया नर सेक्रेटरीन के कि उसका भी इसकी भी आंबर हमारी। पंचायत का क्षेत्र में आओगी ना तो जो पंचायत का क्षेत्र की गली है जी वो करवा देंगे, अगर बाहर पाएगी तो फिर बंद। चलो या करवा दोगे, इसके लिए भी भाई करो धन्यवाद साहब। आप चाहे सेक्रेटरी तक जाइए तो बात कर की ना, चाहे आप बोंद की मानती हो तो बोंद का सरपंच पे बनवाओ, और जब मालपोस मानती हो तो मालपोस कोशा मंडर में आओगी ना वो पेमेंट करवा के और काम कर। अरे भाई जिस काम में खतरा रहे थे ना कही है कि तो साहब ने लिया हां भर, बाकी फिर भी मैं भाई काम दोहरा दूं। सबसे पहला तो काम यो है जी, जो काम हम हमारे पास करा रखे हैं जिनका बजट आ रहा है उन पर आचार संहिता तो पहले आप काम चालू करवा दो। आचार संहिता लगने के बाद है कि बड़ा काम हो ना। दूसरा जो काम है जो बोंद से मालपोस वाला रोड है 20 मीटर का कट्टा रोड तो आगत शुरू हो, पहले गली है ब्लॉक पिछड़े हैं आपने देखे हो, उधर काम करवाया जा। और जो उन गांव में है ना दो जोड़ है, बीच में एक रास्ता है, उड़े तीसरा दिन को इन्हें कोई बड़ा हादसा हुआ है, ईंट की ट्रेली पलटे है, पीछे ही एक स्कूल की बस पलटी थी। उड़े बलो लिखवाओ जैसे भी करो, उड़े ऐसा काम करते तीसरा दिन एक्सपेक्ट ना हो। तेरे भाई नाना है इसका जो गली है उसका काम है हाँ। और दूसरा जो है सबसे मुख्य काम है आड़े जो सड़क का निर्माण हो रहा था वो शायद आपके अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है ना, उसके आप देख लियो साहब वो आपके अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है, बाकी उस पर इतनी घटिया कामगिरी लग रही है उसका करवाया था। वो आपका नाम ले दिया तब रोष प्रदर्शन के बाद जो है पार्षद मोहित साहब हमारे साथ खास बातचीत में है, सब प्रदर्शन किया रोष व्यक्त किया बिल्कुल। अब आपने ज्ञापन सौंपा है हाँ जी, क्या कुछ डिमांड रही है और कितना जो है आश्वासन पर भरोसा है कि काम हो पाएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि आश्वासन पहले भी मिले हैं हाँ। मांग पत्र पहले भी सौंपा लेकिन काम नहीं हुआ। भरोसे की तो यह बात है पत्रकार जी, पहले भी कहता आया हूँ आपा तो फौजिया की डाल रात ने जूते पैर की सोए करा, इब एक हफ्ते का नाम लिया है, एक हफ्ता में काम ना होंगे तो ये भाई रहे अपन के किधर, और नेताया की डाल पैसा में आदमी लेने हैं, यो भाईचारा है अरे यो ब्लॉक से वही गोडेर वही लगाम फिर आ जावांगे जब काम ना करेंगे तो जी। अभी नया बात कही है कि भाई एक हफ्ता हम काम करवा देंगे, और बिल्कुल सच्चाई है, गुमराह नहीं करते हम लोगों को, कोई सा बड़ा काम नहीं है, छोटे छोटे काम हैं, वह काम न्यू पेंडिंग है जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं
चाहे उनमें मोहित भी आ गया, सरपंच भी आ गया, हमारा विधायक भी आ गया और सांसद भी आ गया। सबसे जो मेन विषय है हमने महसूस कर लिया भाई, और भी हल्के हैं, 90 हल्के में एक हल्का दादरी भी है। वो दादरी हल्का में भी जो यो पवार खाप लगा लो, चाहे हमारे उरले गांव है ना, इन में काम नहीं हो रहे। बेरा ने क्यों नहीं ओढ़ पा रहे, क्या तुम्हारे गिल भेदभाव करे हैं, हमारा धनी डोरी कोनी कोई, अब भाई कोई ये न्यू मानने हैं, अग ये तो चुपचाले बैठे रहेंगे, कितने ये रोया राट मचा लो, आड़े काम नहीं करने, काम करें सारे प्रण है। अब न्यू भी नहीं कहते काम नहीं हो रहे, काम हुए हैं, पर मारा एरिया में बेरानी ने के बदबू आवे, आड़े काम नहीं हो रहे। भारत पाकिस्तान बना रखे, पाकिस्तान बना दिया भाई। कति पत्रकार जी गाड़ा में चालन ने रहा नहीं है, जो मुख्य रास्ते हैं ना वह सारे जर्जर हालात में हैं। जो मेरा वार्ड है, एक नंबर वार्ड, इसके तो हैं हैं, इससे भी अलग, और जो आसपास के गांव रह गए थे, सावड़ भी आ गया जिसमें नया गांव भी आ गया, भाई जिंजर भी, जो ये मेरा आसपास का इलाका है, इसमें बहुत जर्जर हालत है विकास कार्यों की। एक हफ्ते की डेडलाइन दी है, अगर काम नहीं होता तो उसके बाद क्या रहेगा भाई? काम नहीं होता हो तो ये ब्लॉक के मेरे अधिकारी भी सुन दे होंगे, कदे निरानरी पार्षद मान रहे हो, अड़प ये भाई हैं इन तो, और दुगने तिगने भाई हैं, लिया कि इन्हें बाहर काट की नेट पर गोडा धर लेंगे भाई, नेट पर गोडा धर कि नहीं चाहे के तुम्हारे काम कर दो भाई, ना तो हम जेला तो डरते, ना हम मुकदमे डरते, मारी तो एक लड़ाई है भाई, हमारे काम हो जाओ, जब ठीक ठाक डाल काम कराओगे तो ठीक से, ना तो मैंने मेरा भाईचारा पर इतना भरोसा है, जो गणखरिया की चोरी चकारियां का मैंने बेरा है, देखो मैं न्यू नहीं कहता सारे अधिकारी चोर हैं, सारे अधिकारी खराब हैं, यह बात मैं क्लियर कर दूं। बाकी कई यहाँ की चोरी चकारी मेरे हरकत थ्यारी हैं, इनके जोड़े खुटिया का भी टंगवा दूंगा। ऑथेंटिक बात कर रहे हैं ना, सबूत के साथ? बिल्कुल सबूत के साथ है भाई, कई अधिकारी बहुत ज़्यादा गड़बड़ भ्रष्टाचार मचा रहे हैं, तो ये भी कह ली भाई, अगर तनख्वाह तक काम नहीं चलता ना तो भाईचारा रही गाम राम के ठेकर की दे देंगे रुपये, था हम विकास कार्य चालू करा दो जी, यह बात है। बाकी हम 1% भी ना तो हम कभी गलत काम करते, हमने तो बिल्कुल सच्चाई की राजनीति करी है, राजनीति के करी है भाई, ये मेरे भाई हैं, इन्हें मैं आशीर्वाद दे कि जिला पार्षद बनाया था, अरे मेरा फर्ज है, मैं इन भाइयों को गुमराह नहीं कर सकता, जो सच्चाई है ना उस पर काम करांगे, हमारे ये छोटे छोटे काम हैं ना, हमको बड़ा आड़ा यूनिवर्सिटी मांगना रे, यूनिवर्सिटी जिस दिन कदे हमारा ब्यों तो होगा, हमारी कलम में चौधर होगी, उस दिन हम आप बनवा लेंगे, इब तो ये चुटमुट काम है, ये करवा दो ये जी। कहाँ से आए जी, कौन से गांव से? रानीला से। कितने सहमत है बातों से, और एक हफ्ते का टाइम दिया, उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद नहीं होया तो हम फिर कार्रवाई करेंगे जी। जी कितने क्या क्या काम पेंडिंग पड़े? काम जो लिखे हुए हुए पेंडिंग लिख के दे दिया। आपके गांव में कौन से कुछ? हमारे गांव में भी ऐसी समस्या है, कीचड़ वाली, नाले नहीं बन रहे, कभी बस के लिए करते हो, कभी पानी के लिए करते हो, कभी सड़कों के लिए, कभी नालियों के लिए, कब तक करते रहोगे? तो समस्या जब तक हल नहीं होगी तब तक करते रहेंगे। पार्षद को लेके संतुष्ट हो? हाँ जी बिल्कुल, ये पार्षद हमारा सैनी 10 गांव के समाधान के लिए करवा रहा है, ये आपका घरेलू काम तो करवा नहीं रहा है ये जी, आगे ये आपका काम करवा रहा है भाई, मेरा निजी काम है ये, मेरा घर है उधर बनवा दो, ये तो भाई सभी के लिए है रोड तो जी। आप कौन से गांव से? मेरा मालपोस गांव है भाई। आपको क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है जी, हमारी गली नहीं बन रही, और बच्चे जब भी बारिश हो जाती है बच्चे एक एक महीना से स्कूल नहीं जा पाते जी, और हम भी उनकी परवरिश नहीं कर पाते, ना बाहर से कोई सामान ले पाते ना और के में, और ये प्रशासन सुन नहीं रहे जी। कितने दिन से समस्या है ये? तो जब से मकान बनाया तब से समस्या है। कितने साल होगी? 5 साल हो गए जी। हाँ जी, 5 साल से गली नहीं बनी है? नहीं बन रही जी। क्यों नहीं बनी, क्या कारण है? ये प्रशासन नहीं बनवा रहा, 10 बार लिख के दे दिया और क्या करें हम, बताओ क्या? आपका एस्टीमेट नहीं बन रहा, बजट नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा है? सर जाते हैं बोले एस्टीमेट बना के दे दिया, चंडीगढ़ दे दिया, ये दे दिया, लेकिन देते कहीं भी नहीं है, वो ऐसे कैसे पड़ा है जी। यो आड़े के बोंद में खतरा मालपोस रोड पे भाई साहब, आप नहीं जा सकते, देख लो आप मुक्का पे, आप चेक करो मुक्का, फिर आपने मेरा पटेगा जी, हमारे बालक नीमड़ी होकर स्कूल आने लग रहे हैं, सारे गांव में ये समस्या भाई साहब, इतने दुखी हो रहे हैं हम, आप ना पूछो बस, रास्ता ही नहीं है जी, हम वोट देने लग रहे, सारे काम करना रहे, काम नहीं करे अधिकारी, इनको ताला लगाना पड़ा भाई साहब, जब काम करेंगे ये। अब एक हफ्ते का टाइम दिया, एक हफ्ते के बाद क्या लग रहा है, कुछ आश्वासन मिला, समाधान लग रहा है? आश्वासन ना भाई, ताला लगावांगे इस काम में, अगर ये हमारे काम काम तो कर देंगे तो ठीक से ना, इनके ताला लगावाएं भाई।
और आगे आचार संहिता लग जाए काम हो नहीं गया। आप जाके खाचा देखो एक बार, अब देख लो मौका अधिकारी के एक बार जाके देखो लिकाड़ उड़ गए गाड़ी फिर मेरा पट्टा उन जी आश्वासन तो पहले भी मिला लगता है अभी कवर मिला है, लेकिन हम ये सोच रहे थे भाई आश्वासन दे रहे हैं चलो अधिकारी करवाएंगे काम, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करवाया था। हमने अपने गाँव का साथ लिया तभी हम यहाँ पे आए हैं और ये आगे और आगे हफ्ता बाद नहीं करेंगे तो फिर यही कार्य होगा जी। हाँ जी। तो ये हमारे साथ मोहित साहू वार्ड नंबर एक के पार्षद हैं चरखी दादरी जिले के, और कहीं ना कहीं अपने वार्ड के सभी गांव से युवाओं को और जो है लोगों को लेकर बीडीपीओ कार्यालय में पहुंचे हैं और वहां पर जो नारेबाजी करते हुए उन्होंने अपनी मांगे एक बार फिर रखी है, क्योंकि इससे पहले कई बार रख चुके हैं मांग पत्र लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। कहते हैं फाइल पेंडिंग है, यहां से आगे भेज दी, आगे से चंडीगढ़ भेज दी, बजट नहीं आया है, बजट आ गया लगना बाकी है, टेंडर नहीं उठा है, कई तरीके की जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन इनका साफ कहना है कि जो भ्रष्टाचार उसको चलने नहीं देंगे और आचार संहिता से पहले अगर काम होता है तो ठीक है, अन्यथा उसका खामियाजा भी जो है सरकार और प्रशासन को भुगतना पड़ सकता है। एक हफ्ते की डेडलाइन दी है, अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा पूरे वार्ड के लोगों के द्वारा, सभी गांव के द्वारा। और कहीं ना कहीं अगर कुछ बड़ा फैसला लिया जाता है, धरना प्रदर्शन किया जाता है, सड़क जाम की जाती है, बीडीपीओ कार्यालय को ताला लगाया जाता है, तो उसका खुद जिम्मेवार जो है प्रशासन और सरकार होने वाली है। ये साफ इन्होंने चेतावनी दे दी है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।